पति ने पत्नी की हत्या के बाद की आत्महत्या। हमीरपुर जिले के मोदहा को कस्बे में घर के अंदर एक सांप डोला से देख परिजनों में कोहराम मच गया है। उक्त मामला कोतवाली मोदहा अंतर्गत मालिक कुआं चौराहे का है। पुलिस अधीक्षक से बातचीत में पता चला कि घटना लगभग सुबह 3:30 बजे की है, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना ने अपनी पत्नी गीता को देसी कट्टे से गोली मारी, जो प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। ठीक आधे घंटे बाद तनाव में आकर खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी पहुँच कर घटना का कारण पता नहीं चल सका। हमीरपुर से टॉप न्यूज के लिए इकराम राय की रिपोर्ट। क्लिनिक है, वहाँ पे 3 मंजिला घर है। सबसे ऊपर मंजिले में मिस्टर ओपी सिंह और उनके पत्नी गीता सिंह ये रहते थे, और सुबह 3:30 बजे के आसपास हमारे पुलिस पिकेट को एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। तत्काल पुलिस पिकेट के द्वारा यहाँ मौके पर पहुँच के यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश की थी, क्योंकि चारों तरफ से बंद था तो पुलिस पिकेट अंदर नहीं घुस पाई। और यहाँ पे बाहर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ था उस पर बात किया तो डॉक्टर साहब का जो कंपाउंडर है वो उठाया, और उन्होंने फिर डॉक्टर साहब को मिलाया। ये लगभग 4:15 बजे के आसपास की है, तो उस समय डॉक्टर साहब ने बात किया, यहाँ कोई बात नहीं और कहीं दूसरे रोड के उस किनारे पे गए। तो उसके साथ फिर नीचे आने से मना कर दिया, ऊपर से टार्च भी मार के देखा है जैसे पिकेट वालों का कहना है। और उसके बाद 4 बजे फिर से एक फायर की आवाज़ आई इसी घर से, तो फिर उसके बाद तत्काल पुलिस के द्वारा इनके भाई को जगाया गया है और पीछे के रास्ते से कुंडी खुलवा के अंदर घुस गए। उसमें उनके कमरे के अंदर एक डेड बॉडी मिली है जो इनकी वाइफ की थी। इस पर दाहिने कनपट्टी पे एक फायर आर्म जैसे एक शॉट गन शॉट इंजरी जैसे एक चोट, और उसके बाद ऊपर छत पे जो ओपन छत पे डॉक्टर साहब की डेड बॉडी पड़ी मिली। उसके पास से 2 नाजायज पिस्टल यानी CMP कंट्री मेड पिस्टल मिली है, और अभी जो उनके जेब की तलाशी ली है उसमें से 315 बोर की कारतूस भी मिला है 4-5, और उसमें इनकी पत्नी के मोबाइल भी इनके जेब में मिला है। और ये सभी